हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला सवाल है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से मात्रक का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशवर्ष। प्रकाशवर्ष जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक आपके मूल मात्रकों से ही मिलकर बनते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो गया आपका m, यानी इसको आप m से डिनोट करते हैं और इसको मापते काय में हम किलोग्राम में। बट अगर आपसे कहा जाए कि बल का मात्रक क्या होगा, तो बल को हम न्यूटन लिखते हैं। बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। ये m इंटू ए, इस फॉर्मूले से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो बल जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक है, बिकॉज ये आपका द्रव्यमान के मात्रक और त्वरण के मात्रक से मिलके बना हुआ है इसका मात्रक। अगला प्रश्न, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशवर्ष, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न, ज्योति तीव्रता का संकेत क्या है? तो ज्योति तीव्रता का संकेत है सीडी, यानी कैंडला। अगला प्रश्न, सदिश राशि क्या है? सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों उपस्थित होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वेग। वेग में आपकी दिशा भी होगी और परिमाण भी होता है। चाल को तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, उल्टा सीधा, जैसा आपका मन किए, बट वेग में एक दिशा जरूरी होती है, नियत होती है। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कीमिया से हुई है। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपतन तत्व है, यानी कि ऊर्ध्वपातन तत्व हम किन्हें कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, जो कि सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, जैसे कि कपूर एक ठोस अवस्था में मिलता है हमको, और जब हम इसको जलाते हैं तो सीधा ही ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा लेवोसियर। अगला प्रश्न, वर्षा का द्रवण एवं हिमांक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 0 डिग्री। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु को। अगला प्रश्न, जंतुओं को निम्न भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मेटाजोआ। अगला प्रश्न, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा साइटोलॉजी। कोशिका को सेल बोलते हैं। हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई यही है सेल। सेल का अध्ययन आपका साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1838 में। अगला प्रश्न, जीव द्रव का नामकरण कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1839 में। कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैनिस फैमिलियर। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, राना टिग्रिना आपका मेंढक का है नाम, और कैनिस फैमिलियर आपका कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग को लिखते हैं हम पीपी, बराबर होता है एम इंटू वी। एम यानी कि द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम।
एंड वेग को, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो इनसे मिलके आपका बन गया पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है, इसको इसे प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न, दूरी सदैव होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, माफ कीजिएगा, दूरी सदैव होती है, धनात्मक। अगला प्रश्न, त्वरण का SI मात्रक है, जिसका सही जवाब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, किस धातु की मुद्राएं नहीं बनाई जा सकती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सोना और चांदी। अगला प्रश्न, हिमकारी मिश्रण का तापन होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 22 डिग्री। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपातन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कपूर। और भापाशम का उदाहरण है, सही जवाब होगा SE2। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।